वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू डे 12. ओके, यहाँ पे रीडिंग का लास्ट क्वेश्चन आता है. ओके, अब यहाँ पे ऊपर टाइमर पे देख लेना कितना टाइम बाकी है. जितना टाइम बाकी है आप उतना टाइम तो आप पूरा ही कंज्यूम कर लो. 2 मिनट बाकी है तो आराम से पढ़ो, सॉल्व करो, क्योंकि इसके अंदर MCQ मल्टीपल चॉइस नहीं, सिंगल चॉइस है. ओके, तो यानी आपको एक ही ऑप्शन टिक होने वाला है. सर्कल बना हुआ होगा ऑप्शन से पहले, यानी आंसर एक ही टिक करना है. तो पूरा पैसेज शांति से पढ़ो. एग्जाम में ये मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आएगा, वेटेज कुछ भी नहीं है. ये सही गया तो ठीक है. हाँ, मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि पहले ऑप्शन को ये टिक कर लो, फिर पढ़ना शुरू करो. ओके, ऑप्शन टिक कर लो फिर पढ़ना शुरू, क्योंकि करीब कई बार है ना हमारा ध्यान नहीं जाता टाइमर पे. 15-20 सेकंड बाकी है, हम पढ़ने में करते हैं और फिर बाद में थोड़ा आइडिया होता है, टिक करने जाते हैं और तुरंत नेक्स्ट हो जाता है. यानी टाइमर खत्म हो गया तो नेक्स्ट अपने आप हो जाएगा. तो दुख रह जाता है कि यार अपने ऑप्शन टिक भी नहीं किया, तुक्का भी नहीं मारा, कुछ भी नहीं. तो जैसे ही ये क्वेश्चन खुलता है ना, एक टिक करके रख दो, फिर उसके बाद भले ABCD में से जो भी आप टिक कर रहे हो सही है या नहीं, वो तो अपन बाद में पढ़ने की बात करेंगे, पर टिक कर दो. उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना. MCQ सिंगल आंसर. पर उसके पहले मैं आपको एक बार वापस रिमाइंडर दे दूं, रीडिंग की ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप आज भी 30 करनी है, रीडिंग एंड राइटिंग वापस 30 करनी है. अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे कि करें कहाँ से. अब कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करो चलेगा. ओके, बंदर वाला सॉफ्टवेयर भी है, कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर रीडिंग की ब्लैंक्स आप सॉल्व कर सकते हैं. मेक श्योर कि आप नई 30 करें. ओके, जो पहले 30 हो चुकी रिविजन के लिए ठीक है, पर डेली नई 30 ब्लैंक्स सॉल्व करें. ओके, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. यूट्यूब पे खाली सर्च करोगे ना रीडिंग की ब्लैंक्स, तो बहुत सारे लोग हैं जो उसकी रीडिंग की ब्लैंक्स अपलोड करते रहते हैं. आप खाली उसे डेली 30 सॉल्व करते रहो. ओके, और 30 नई होनी ज़रूरी है. MCQ सिंगल होता क्या है? इस तरह से एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 4 या 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं, एक ही आंसर टिक हो सकता है और आपको एक ही टिक करना है. अब इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको बताऊं कि ट्रिक तो नहीं कह सकते, पर किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है कि पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे टॉपिक किस बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में. ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग रिफर्स टू स्टेइंग अ स्पेसिफिक डिस्टेंस अवे फ्रॉम अदर पीपल टू हेल्प प्रिवेंट इलनेस फ्रॉम स्प्रेडिंग. यानी एक डेफिनेशन दे रखी है सोशल डिस्टेंसिंग की. फिर हम स्किप करेंगे COVID-19 लिखा है, COVID-19 लिखा है यहाँ पे, दैट्स इट. अब ऑप्शन पढ़ते हैं, मोर डिटेल्ड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग. मेरे को कहीं पे भी इस पैराग्राफ में ना कोई ऐसे लाइन ऐसा नहीं दिख रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग में इतने मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, इतने लोगों के बीच में होना चाहिए, नहीं नंबर्स नहीं दिख रहे, यानी डिटेल तो है नहीं. सेकंड, अ मोर सिंप्लीफाइड एंड इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग. हाँ, हो सकता है, ओके, क्योंकि डेफिनेशन है तो हो सकता है. एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग अकॉर्डिंग टू रिसर्च अकॉर्डिंग टू द सर्वे डन, ऐसी कोई लाइन मेरे को दिख नहीं रही है. ओके, तो वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है नहीं है. ओके, यानी कुछ 10-15 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया फिर ये रिजल्ट निकला, ये सब कहीं लिखा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं. द लेटेस्ट न्यूज अबाउट COVID-19 केसेस, कहीं नंबर नहीं दे रखा, कोई कंट्री का नाम नहीं दे रखा है. ओके, फटाफट देख लो ऐसे कि प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन कैसे पता चलेगा, पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए तो ही वो प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल पहला अल्फाबेट किसी का है ही नहीं, तो वो प्रॉपर नाउन कहीं दिया ही नहीं है. यानी ये न्यूज़ नहीं है, कोई नंबर नहीं दिया, कोई कंट्री का नाम नहीं दिया. हम जब न्यूज़ पढ़ते थे तो कैसा होता था कि ये कंट्री में इतने केसेस आए, यहाँ पे ये हुआ, वो सब नहीं दिया हुआ है. सो अपने को क्या करने का, आंसर सिंपल दिख रहा है कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B. ओके, ऑप्शन नंबर B फटाफट सॉल्व हो जाएगा. ओके, फटाफट सॉल्व हो जाएगा. पहले थोड़ा सा पढ़ लो कि थोड़ा सा आइडिया ले लो किस बारे में, फिर कट टू नेक्स्ट पे चले जाते हैं. कुछ तो ऐसे इतने इजी होंगे, खाली आप ऑप्शन पढ़ो. द पर्पस ऑफ द ऑथर इज टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी हेल्दी, शो द डिसएडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल, एनकरेज पीपल टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आर्ग्यू हाउ इजी टू लिव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल. अब कोई भी पैसेज होगा ना, देखो PTA ना खुद के पैसेज नहीं बनाता है. PTA कोई आर्टिकल होगा, कोई ब्लॉग होगा, उन सब के ऑफिशियल वो कॉपीराइट खरीद के और अपने क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग बनाता है. यानी कोई भी इंसान ये नहीं सजेस्ट करेगा कि टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ डिफिकल्ट इज टू बी हेल्दी. ओके, कोई भी इंसान ये नहीं बताएगा कि हाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू बी हेल्दी, शो द डिसएडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल, नहीं वो भी नहीं, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हो गए, वो नहीं. एनकरेज पीपल टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हो सकता है. लास्ट है आर्ग्यू हाउ ईजी इट इज़ टू लिव अ डिफरेंट हेल्दी डिफरेंट लाइफस्टाइल, कितना इजी है लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, कोई और चीज़. ये भी थोड़ा क्वेश्चन वाला है कि यार इतना इजी तो नहीं होता होगा. तो अपने को सी लग रहा है आंसर, अब अपन थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या सी सही है या नहीं. मैनी पीपल थिंक दैट बीइंग हेल्दी इज डिफिकल्ट टास्क,
इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डाइटिंग, बट कई लोगों को लगता है कि हेल्दी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यानी, अब अगेन पहली लाइन हट गई क्योंकि ऐसा नहीं है, उसने क्लियर बोल दिया पहली दो लाइन में, यानी ऑप्शन नंबर ए तो चला गया। यू कैन बी पार्ट टूवर्ड्स लिविंग हेल्दियर, फिर उसके बारे में समझा रहा है कि आपको क्या करना है, क्या करना है, एक्टिव स्लीपिंग, एक्टिव रहना है, स्लीपिंग, रिलैक्सिंग, ये सब एक्टिविटीज़ आपको करनी है, यानी वो एनकरेज कर रहा है लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल में। क्योंकि मैंने अगेन बोला आपको काफ़ी चीज़ें इसमें स्किप करनी पड़ेगी, पूरा पूरा समझने जाओगे टाइम कम पड़ जाएगा, तो आप खाली ब्रीफ समझ लो कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, एक टिक कर देते हैं सी, देखते हैं आंसर सही है या नहीं। सही है। अब आपकी बारी रीडिंग की, MCQ सिंगल की ब्लैंक सॉल्व करना। ओके, आपका कितना स्कोर आता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कम स्कोर भी आता है, नहीं समझ में आता है, कोई चिंता नहीं है, इसका कोई वेटेज नहीं है, पर रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स और रीडिंग ब्लैंक्स अच्छे से सॉल्व करना, वेट करना, क्योंकि अगला जो टॉपिक आने वाला है, अब हम लिसनिंग शुरू करेंगे।